नमस्कार, मैं हूँ गार्गी। आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड। एम्स की तर्ज पर हरिद्वार में जल्द ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने केंद्र सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेजा है। दुनिया भर में आयुर्वेद के बढ़ते प्रचलन और आने वाले समय में इसमें दिख रही अपार संभावनाओं के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। हरिद्वार में जल्द शुरू होने वाले AIIA से लोगों की जिंदगी में कई सहूलियत आ जाएंगी। यहाँ आयुर्वेद की अलग अलग पद्धतियों से इलाज तो होगा ही, यहाँ रिसर्च और डाटा सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि आयुर्वेद को नई तकनीक के साथ जोड़ा जा सके। सरकार का मानना है कि AIIA के शुरू हो जाने के बाद आयुर्वेद पर रिसर्च और वेलनेस प्रोग्राम को काफी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल आयुर्वेद की वजह से उत्तराखंड वेलनेस स्टेट के रूप में तेजी से उभर रहा है। आयुर्वेद की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए देश के कई नामी संस्थान वेलनेस को लेकर राज्य में तेजी से निवेश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि दिल्ली से नजदीक होने की वजह से आयुर्वेद से भारी कमाई की संभावनाएं भी दिख रही हैं। सरकार के मुताबिक AIIA में BMC और MD और साथ ही PhD कोर्स की सुविधाएं भी होंगी। इसमें रिसर्च सेंटर के साथ साथ 200 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। फिलहाल AIIA में आयुर्वेद की 20 अलग अलग पद्धतियों से इलाज करने की योजना है। उत्तराखंड सरकार ने पहले पहाड़ी इलाके में इस संस्थान को खोलने की योजना बनाई थी और इसी योजना के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने पहाड़ी इलाके में नया संस्थान खोलने के बजाय पहले से चल रही आयुर्वेदिक संस्थान में ही इसे शुरू करने का सुझाव दिया। केंद्र के सुझाव पर उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार के आयुर्वेद विवि में ऋषि कुल परिषद को ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया। आयुर्वेद शब्द आयु और वेद से बना है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। भारत का आयुर्वेद लगभग 3500 साल पुराना है। भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियां विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति में एक है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों में बेहद पसंद किया जाने वाला आयुर्वेद अब अफ्रीकी देशों में भी पहुंच रहा है। यही वजह है कि हमारी सरकार आयुर्वेद को नई तकनीकों के साथ जोड़ रही है, जिससे आयुर्वेद का लाभ न सिर्फ हर भारतवासी को मिले बल्कि भारत के आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया भर में बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।